दोस्तों Xiaomi ने हमें ये बड़ा वाला डब्बा भेजा है। आजकल वैसे काफी लोगों में बड़े डब्बे भेज रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये Xiaomi का स्मार्ट स्टैंडिंग फैन 2 है। फैन 1 कहाँ है पता नहीं। फैन 2 इंडिया में आ गया है। इसकी जो प्राइस है रिसेंटली अनाउंस हुई थी 6,000 रुपए। ये स्मार्ट फैन की प्राइस है, अवेलेबल है अभी ये। तो आज इसे हम अनबॉक्स करते हैं, इसे सेटअप करते हैं, देखते हैं कि Xiaomi ने यहाँ पर क्या बनाया है। तो ये पैकेजिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है Xiaomi स्मार्ट स्टैंडिंग फैन 2। कुछ फीचर्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा दोनों के साथ जो है ये फैन काम करता है। लेट मी क्विकली अनबॉक्स इट, देखते हैं अंदर क्या क्या है। मेहनत लगेगी वैसे, थोड़ी सी बनाना पड़ेगा खुद से इस फैन को। तो सबसे पहले यार ये है इसके अंदर, ये बेसिकली इस फैन का जो बेस प्लेट है यहाँ पर स्टैंड जाएगा। ये दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो फैन का जो टॉप है वो है, एंड इसी के अंदर जो है ना दोस्तों यहाँ पर प्लेट्स भी दी हुई हैं फैन की। और मैं ये दिखा देता हूँ बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर डुअल ब्लेड्स यूज़ करे हैं Xiaomi ने, देख सकते हो 5 ब्लेड्स अंदर हैं और 7 टोटल जो ब्लेड्स हैं वो बाहर है। तो 5+7=12 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ करा है। ये इसके अंदर जाएगा जो ये पूरा कवर है इसके अंदर। मेहनत लगने वाली है आज बनाने में इस पूरे फैन को। इसको भी रख देते हैं साइड में एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ ओके। यहाँ पर एक पावर कॉर्ड है, ऑफ कोर्स दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये दे रखा है। एंड ये एक नॉब दिया हुआ है, इस नॉब के अंदर एक स्क्रू भी है और एक हेक्स की भी है। मैं इसे भी निकाल ही लेता हूँ और दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये एक हेक्स की है, बहुत छोटी सी और उससे ज़्यादा छोटा है कि यहाँ पर स्क्रू दिया हुआ है। अच्छा दो नॉब्स हैं, एक नहीं है इनफैक्ट, दो दो नॉब्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये आई थिंक इसमें इस तरह से जाएगा, इसको लगा कर देखेंगे। ये भी अपन साइड में रख देते हैं। एक यूज़र मैनुअल है, बहुत काम आने वाली है। एंड लास्ट भी ये कुछ नहीं है, ये कार्डबोर्ड है। ये है जी आपकी मोटर, जो इस फैन की मोटर है ये वो है। और ये दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इसके ऊपर जो है ये आपका जो फैन है, कवर है, ब्लेड है, दिस विल गो ऑन टॉप ऑफ दिस। इसको भी मैं यहाँ रख देता हूँ। एक और लास्ट चीज़ रह गई है विच इज़ जो स्टैंड का बचा हुआ पार्ट है, बेसिकली जो कनेक्शन है वो ये रहा। तो ये आई थिंक ऑन टॉप ऑफ दिस दिस विल गो, और इस तरह से जो है पूरा का पूरा ये फैन बन जाएगा। तो गाइस ये सब है इस बॉक्स के अंदर, और कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन द बॉक्स। इसको हटा देते हैं एंड यस। सो इन टोटल ये सारा सामान यहाँ पर मिल रहा है। एक बेस प्लेट है, एक टॉप के लिए फैंस और उसकी ब्लेड है, पावर कॉर्ड, हेक्स की स्क्रू, यूजर मैनुअल, नॉब दिया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स आपका जो ये मोटर और ये है दैट इज देयर। अब हम इसको बनाते हैं, लेट्स पुट दिस थिंग टुगेदर, और उसके बाद जो इस फैन का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके तो ये फाइनली सेटअप हो गया है। बहुत मेहनत लगी है, दो बंदे लगे थे एट सम पॉइंट टू पुट दिस होल थिंग टुगेदर। पर ये देख सकते हो आप कुछ इस तरह सा दिखता है ये Xiaomi का जो स्मार्ट फैन 2 है।
हाइट जो है, अभी मैंने एक्चुअली थोड़ा स्टूल पे रखा हुआ है इसलिए फिर भी इतना ऊपर आ रहा है, अदरवाइज मुझे हाइट वाइज थोड़ा ये कम लगा। अगर मैं इसे नीचे रख देता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये मेरे यहाँ तक आ रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ, तो अगर मैं खड़ा जाता हूँ तो थोड़ा सा वेस्ट हाइट तक ही आएगा। सो थोड़ा सा हाइट वाइज छोटा है। एक ऑप्शन यहाँ पर अच्छा ये है कि मैं इस पार्ट को निकाल कर मैं इसे भी डायरेक्टली जो है यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ, और उसकी वजह से जो हाइट है वो बेसिकली आप देख सकते हो कुछ इस तरह से टेबल पर रखने के लायक ये फैन हो जाएगा। सो देन दैट मेक्स मोर सेंस। इनफैक्ट कर ही लेते हैं अगर हो जाता है तो। ये लीजिए, ये मैंने इसको निकाल दिया और ये लग गया। तो ये इस हाइट पर जो है ना, एक्चुअली एज अ टेबल फैन दिस मेक्स मोर सेंस देन टू पुट इट ऑन द फ्लोर। आगे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है ना, जो ऊपर की तरफ ऑन टॉप चार बटन्स दिए हुए हैं। पहला जो है वो पावर बटन है, इसे प्रेस करना है एक बार, और ये देख सकते हो आप फैन जो है ऑन हो चुका है। अच्छी हवा आ रही है, ओह नाइस, बहुत साइलेंट सा भी, आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत फैन के पास हूँ, अगर माइक पे आवाज़ सुनाई दे तो बताना, वेरी साइलेंट। ओके, जो नेक्स्ट बटन है यहाँ पर वो है फैन स्पीड का। तो इसे प्रेस करके ऊपर देख सकते हो कि चार इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4। जब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो स्पीड जो है 1, 2, 2, 3 एंड 4। सो दिस इज द फास्टेस्ट स्पीड। हाँ, अब आवाज़ आ रही है, अब एक्चुअली काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। तो ये जो है ये फुल स्पीड है इस फैन की। उड़ रहे हैं बाल, उड़ रहे हैं मेरे। एनीवे, तो स्पीड में थोड़ी सी कम करता हूँ ताकि आवाज़ क्लियर रहे। इसके जो तीसरा बटन है ये है फैन के मूवमेंट के लिए। तो इसे अगर मैंने ऑन कर दिया, सो यू कैन सी हियर ऑसिलेशन जो है वो शुरू हो गया। तो मैंने अब वापस से जो है फैन की हाइट थोड़ी सी बढ़ा दिया ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए, अदरवाइज थोड़ी सी हाइट कम पड़ रही थी। अच्छा, जो लास्ट वाला बटन है यहाँ पर उसकी बात कर लेते हैं। ये एक टाइमर का बटन है, तो इसे प्रेस करके आप देखोगे कि ऊपर की जो LED लाइट्स हैं वो फिर से ऑन होती हैं, और जितनी बार भी आप प्रेस कर रहे हो, लेट्स से आप सेकेंड या थर्ड तक जा रहे हो, उतने घंटे तक फैन चलकर अपने आप बंद हो जाएगा। तो अगर मैं इसे 1 पे छोड़ता हूँ तो 1 घंटे चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। अगर मैं 4 तक जाता हूँ तो 4 घंटे फैन चलेगा और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। बंद करता हूँ फिलहाल एक बारी के लिए और बात कर लेते हैं और इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो जो Xiaomi की Mi Home ऐप है उसके साथ ये फ़ैन चलता है, उसके साथ कंपैटिबल है। और वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यहाँ मिलता है कि जो फ़ैन की स्पीड है उसे 1 to 100 अलग अलग लेवल्स पर काफ़ी प्रिसाइज तरीके से यू नो यू कैन सेट, तो दैट इज़ अ गुड फीचर। देयर इज़ अ नेचुरल ब्रीज ऑप्शन एज वेल, जहाँ पर ऐसा लगता है कि जो हवा आ रही है वो बहुत नेचुरल आ रही है, एकदम जो नेचुरल ब्रीज है उसकी तरह आ रही है, तो आर्टिफिशियल एयर नहीं लगती है, दैट इज़ देयर। एंड वॉइस असिस्टेंट के साथ भी जो है इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस जो हैं Mi Home ऐप के अंदर मिल जाते हैं। मैंने बता दिया आपको कि जो उसका हाइट है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं सिंगल स्टैंड पे लगाता हूँ तो 26 इंचेस के करीब जो है इस पूरे फैन की हाइट है। अब जो प्राइस है 6,000 रुपीज़ है, स्मार्ट फैन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे थोड़ा सा लेगा यार, 6,000 रुपये का पंखा शायद थोड़ा और सस्ता हो सकता था, बट यार काफ़ी कूल सा डिवाइस है, मतलब अपने घर के सेटअप में इसे ऐड किया जा सकता है अगर स्पेशली आप स्मार्ट होम डिवाइसेस बहुत सारे यूज़ करते हैं। मेरे को पसंद आया, मुझे तो कहीं काफ़ी सही लगा। यूज़ केस के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का भी है, तो ऐसा नहीं है कि इसे मूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, आसानी से किसी भी घर के कोने में इसे रख सकते हो, जगह भी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करता। यस, एक लिमिटेशन ये रहेगी कि जो पावर सोर्स है वो हमेशा फैन को चाहिए, तो उससे कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट वाइट कलर है, उसका भी एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये वाइट कलर गंदे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेरे पास एक Xiaomi का इनफैक्ट टेबल लैम्प है, वो भी ऐसे ही वाइट कलर का था और वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, उसे मुझे काफ़ी मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो आई थिंक वो प्रॉब्लम शायद यहाँ पर भी हो सकती है। सो या यू लेट मी नो गाइस, आप लोग बताओ जो पूरा इसका ओवरव्यू है, सेटअप प्रोसेस है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब मैंने बता दिया है। आपको क्या लगता है 6,000 रुपये में ये क्या एक अच्छा डिवाइस है, या फिर यू विल रादर स्टिक टू योर नॉर्मल यूजुअल फैंस? कॉमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।